गुड मॉर्निंग, आज है डे टू ट्रिप का और हम लोग अभी जा रहे हैं लेनाद्री गणपति के लिए। एंड गुड मॉर्निंग परी, गुड मॉर्निंग ऋतु। अभी परी है इसलिए हम लोग फोर व्हीलर में जा रहे हैं और बाकी के है चलते हुए आ रहे। दिस इज द वे टुवर्ड्स लेनाद्री गणपति एंड हियर इज एवरीवन। एक जगह है, एक सीट है। आजे आ रहे, आ रहे, आ तो ऐसा बोल रहा है। उतर तो गाड़ी नहीं निकल रही। इतना कौन चल रहा है? उतर, गाड़ी नहीं चल रही है, पागल। उतर, मिलना ही चाहिए उसको। बोले मैं रिवर्स में चला गया। वो होने वाला है, मुझे देख रही है। नहीं नहीं, आपने को सबको देख रही है। बुढ़ा बहुत दिलवट्टे हमारा टेडी है, उठे हाल लो। गाड़ी चढ़ रहा है क्या? गाड़ी मंदिर पास, मंदिर पास। अरे कितनी लोग हैं? गणेश हाय बाय, बाय, हाय बाय। आपले संपले का नाही? हा आलं 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 आलं। So we have reached the base of Lenadri, Pari, Ritu and me, and rest of the RIDNs are ready. And अभी ये आप पीछे देख सकते हैं। This is the temple and the Lenadri caves. So अभी हम लोग उधर जा रहे हैं और मिलते हैं वहाँ पे। So this is the entry and around 350 steps चलते जाना है। हाय परी, मामा। वी स्टार्टेड रितु, अभी से एग्जॉस्ट हो गए। सो दिस इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ये आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। दिस इज द हिस्ट्री। सर तो कुछ बताने के लिए, तो लेनाद्री ये जुन्नर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो बेसिकली ये सिक्स्थ अष्टविनायक में से सिक्स्थ नंबर पे आता है ये गणपति जी। और यहाँ पे कहा गया था कि पार्वती जी ने यहाँ पे तपस्या की थी ताकि इनको पुत्र प्राप्ति हो, और तभी गणेश जी का जन्म हुआ था। और गणेश जी यहाँ पे बहुत खेले हैं, कूदे हैं। तो चलो देखते हैं आगे, बताती हूँ और इन्फॉर्मेशन। ऊपर चढ़ी रहे, आपको एक इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। तो जो हम ये लेनाद्री गणपति जी के लिए जा रहे हैं, ये ओनली गणपति स्थान है अष्टविनायक का जहाँ पे हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है गढ़ पे। और ये चारों दिशाओं से सह्याद्री हिल से घिरा हुआ है। देख सकते हैं आप, व्यू कितना अच्छा है, मेस्मराइजिंग व्यू है। इसलिए हम बहुत जल्दी निकले सुबह, और प्रेफरेबल यही है कि सुबह 6 बजे 7 बजे निकले। और बोला जाता है कि 7 बजे
डोर्स ओपन होते हैं दर्शन के लिए, जैसे हम 6 बजे निकलेंगे तो करीब 1.5 घंटा तो लगेगा ही चढ़ने के लिए। अरे उनको 350 स्टेप्स है ना ऊपर जाने के लिए। हाँ, ऊपर जाने के लिए 350 स्टेप्स है। और ये भी मैं बताना भूल गई कि ये जो गणपति जी है उनको गिरिजात्मक गणपति भी बोलते हैं। ओके, या तो चलो देखते हैं और आगे और इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउ रघुबर बिमल जसु जोदायक। सो हम लोग पहुंच गए ऊपर लेनाद्री में। ये अराउंड 350 स्टेप्स चढ़ गया है एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल व्यू भी दर्शन करके आते हैं। अजून का है संगल रे तू? हाँ, ये जो लेनाद्री है ये 56 फीट लेंथ में है और 52 फीट विड्थ में है और ये 6th लेनाद्री पड़ती है जहाँ पे 6th गणपति, 6th लेनाद्री, ये 6th लेनाद्री है जहाँ पे 7th अष्टविनायक मतलब जो है वो यहाँ पे स्थापित है। प्रिशा, चलो इकड़ मौर्या मौर्या। सो राइट नाउ अभी हम लोग है मंदिर केव्स के अंदर। ऋतु दर्शन झाला, जरा सा फिरा थोड़ा सा। सो ऐसा कुछ दिखता है मंदिर के अंदर, पूरे केव्स के अंदर ये इसके अंदर एक भी पिलर नहीं है। सो डन विद दर्शन। ये है मंदिर के अंदर का एंड ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। So now we are back. Ritu, hey, क्या ना? माला दे दिला। क्यों दिला? खालके चला इतने लोगों का घर में। हाँ। है दिला क्या इतना स्तंभ? बोलते दिला नहीं बोलते खालके चला इतने लोगों को। So time to go back. So दर्शन हो गया अभी, हम लोग निकल रहे आगे। इस साइड पे चले। अभी भी। So, अगर आप लोग एजेड है तो आपके पास डोली भी है जो लेके जाती है। इज अराउंड 1000 रुपीज पर पर्सन। दिस इज ऑल्सो ऑप्शन। सो अगर आप एजेड है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रेट सर्विस ना रितु। सो ऑलमोस्ट ये
दर्शन हो गए और लेनाद्री एंड हो गया, तो वापस एक अच्छा व्यू दिखाने के लिए दिस इज टिकट, इस पे बैठना है और जाना है। हाय पेरी, इंटरनेशनल होटल जहाँ पे हम रह रहे हैं, होटल भी अच्छा है।